कैसा जल्लाद है आफताब, श्रद्धा से करता था प्यार या थी कोई साजिश। हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना मोहित ईमान। श्रद्धा चिकन नहीं खाती थी तो आफताब जबरदस्ती चिकन खिलाता था। अगर श्रद्धा चिकन खाने से मना करती थी तो आफताब श्रद्धा से झगड़ा किया करता था, और अगर श्रद्धा फिर भी नहीं मानती थी तो आफताब मार पिटाई तक किया करता था। ये प्यार है या धोखा या कोई साजिश या किसी की लिखी हुई स्क्रिप्ट, जिसको दर्शाया आफताब ने 32 टुकड़े कर डाले श्रद्धा के। अगर ऐसा है तो इसके पीछे कौन है, कौन हो सकता है? अगर आफताब की पहले से ही प्लानिंग थी तो अब तक और कितने आफताब हो सकते हैं जो श्रद्धा जैसी मासूम लड़की को अपनी मानसिकता, अपनी प्लानिंग से फंसा सकते हैं। आखिर कब तक ऐसी मानसिकता रखने वाले इंसानों से मुक्त होगा हमारा हिंदुस्तान? जो भी हो, एक बात तो साफ है, ये कड़वा सबक है उन बेटियों के लिए जो माँ बाप की न सुन के मान लेती हैं उस प्रेमी की बात जो कुछ ही दिनों, कुछ ही महीनों से जिंदगी में आया होता है। मेरी ये बात उन सब हिंदुस्तान की बेटियों तक पहुँचनी चाहिए। जिंदगी में किसी का आना और जिंदगी देने वाले में फर्क होता है, ये बात जरूर सोचना और ध्यान में रखना। श्रद्धा एक सबक है हम सब के लिए। आप इस वीडियो को जहाँ से भी देख रहे हैं, आपको बस एक इतना सा काम करना है कि इस वीडियो को हर एक उस मासूम लड़की तक पहुँचाना है जो लड़की इस दुनिया के कड़वे दृश्य से अनजान है। नमस्कार दोस्तों।